आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, द गिवन क्वेश्चन इज फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास बेसिकली क्या है, एक सर्कल गिवन है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिगर की थ्रू, ठीक है। ये अपने पास क्या, एक सर्कल गिवन है, ठीक है। और अपन मान लेते हैं कि इसका, लेट सपोज ऐसे करके कोई डायमीटर है, राइट, ठीक है। अपन यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका डायमीटर है, ठीक है। चलिए उसके बाद फर्दर देखते हैं, मैंने क्या है यहाँ पे इसका सेंटर बोल दिया, राइट। यहाँ पे मैंने बोल दिया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो गए, ठीक है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। हमें रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस, ठीक है। मतलब क्या, ये ऊपर वाला पार्ट अपने पास अलग हो गया और नीचे वाला पार्ट अपने पास अलग हो गया। तो अपन मान सकते हैं कि ए और बी के अक्रॉस जो है अपने पास बैटरी लगी हुई है, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। तो रेजिस्टेंस जनरली जब अपन निकाल रहे होते हैं, है ना, तो जिस पॉइंट के अक्रॉस निकालते हैं उसके अबाउट मान लेते हैं अपन कि एक अपने पास बैटरी कनेक्टेड है ना, इमेजनरी बैटरी, है ना। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इससे ये समझ में आ जाएगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है वो अपने पास पैरेलल कनेक्शन में। लेट सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ डी और इस वाले पॉइंट को दे देता हूँ ई। तो जो अपने पास आर्क है ए डी बी, ए डी बी एक आर्क है और अपने पास एक आर्क है ए ई बी। तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो सर्किट बनेगा तो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला रेजिस्टेंस अपने पास कैसा आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो हमें निकालना ही है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो अपने पास कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे गिवेन है कि 1 मीटर का वायर का पर मीटर के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवेन है, ठीक है। तो अपने पास क्या गिवेन है कि 1 मीटर वायर का कितना रेजिस्टेंस अपने पास 12 ओम के बराबर है, ठीक है। ये बात हो गया यहाँ से क्लियर। तो चलिए एक सर्किट बना लेते हैं इसके इक्विवेलेंट, राइट। तो इसका सर्किट जो इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा, अपने पास कुछ ऊपर रेजिस्टेंस है ये R1 और नीचे लेट सपोज अपने पास रेजिस्टेंस है R2, राइट। ये अपने पास R1 है ऊपर और ये R2 है, ठीक है। अपने को ये बात समझना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, लेंथ, ठीक है। तो देखेंगे अपन फिगर में कि अपने पास जो ऊपर का लेंथ है ना ए डी बी जो आर्क है ये भी पाई आर के बराबर है, किसके बराबर है, पाई आर के बराबर है, ठीक है। और जो अपने पास नीचे वाला ए ई बी ये भी अपने पास पाई आर के बराबर है। तो अपन बोल सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 है, ठीक है। दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि ये डायमीटर है तो ये भी अपने पास हाफ सर्कल हो गया, ये भी अपने पास हाफ सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया दोनों। तो सेमी सर्कल का पैरामीटर पाई आर है, ठीक है। तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो सर्किट बन रहा होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये आर, राइट, इसको आर बोल दिया मैंने, है ना, और इसको भी मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, है ना। ये अपने को पता चल गया, तो मैंने इसको क्या बोल दिया यहाँ पे, आर बोल दिया, राइट। ये बात आ गई समझ में। अब क्या, दोनों कैसे कनेक्टेड है अपने पास पैरेलल में, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, दोनों का पैरेलल कनेक्शन है। तो आर पैरेलल के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर रहे होते हैं, आर पैरेलल 1/R पैरेलल होता है 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2, ठीक है, प्लस 1/R3। अपन इस तरह से चल रहे होते हैं कब तक, जब तक अपन 1/RN तक ना पहुंच जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि अपने पास कितने रजिस्टर हैं यहाँ पे, एन रजिस्टर है, ठीक है। अपन ऐसा केस मान रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या एन रजिस्टर आ जा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्या अपन को दो ही डील कर रहे हैं ना, तो दो डील कर लेते हैं, 1/R पैरेलल बोल देते हैं, ठीक है, इस सर्किट के लिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 1/R + 1/R, राइट। ये अपने पास आर पैरेलल की यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी अपने पास, ये एक्चुअली सॉल्व करके 2/R आएगा, ठीक है। दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिए तो ये R/2 निकल करके आ गया, ठीक है। ये अपने पास आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, R की वैल्यू अपन को सोचनी पड़ेगी, राइट, कि R किसके बराबर है, ठीक है। R पैरेलल मतलब R इक्विवेलेंट हमें सर्किट का पता चल गया। अब R क्या है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो है 1 मीटर वायर का, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर, 1 मीटर इज 12 ओम, राइट। यहाँ अपने पास देखिए गिवन है यहाँ पे, ठीक है, 12 ओम पर मीटर, ठीक है। बट अपने पास जो सर्कल है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर। तो मैं पूछता हूँ आपसे क्या कि लेंथ जो है अपने पास, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, तो लेंथ जो है सेमी सर्कल का वो अपने पास कितना है, वो पाई इंटू आर है, ठीक है। तो पाई को पाई रहने देते हैं, ठीक है, और आर को अपन लिख देते हैं 0.1, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। अपन क्या है मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये बोल सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस जो होगा हमारे पास वो
पाई इनटू 0.1 मीटर का कितना होगा ये देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ पाई इनटू 0.1 इज 12 इनटू यूनिटरी मैटर से अपन जा रहे हैं, ठीक है, कि अगर अपने को 1 मीटर का पता है, ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि अपने पास पाई इनटू 0.1 मीटर का कितना होगा, ठीक है। तो ये अपने पास इतना निकल करके आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है 1.2 पाई ओम, ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब क्या है, अपने पास जो आर इक्विवेलेंट आया था निकल करके, ठीक है, वो अपने पास कितना आया था, वो अपने पास आया था आर बाय टू निकल करके, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, ये आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो मैं बोल रहा हूँ, जिसको मैंने क्या माना है यहाँ पे, एज्यूम किया आर, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर, पहले मैंने बोला था ये आर वन है, ठीक है, ये फिर आर टू है, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया था कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि जो दोनों है हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो दोनों का लेंथ है बराबर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों को आर आर लिख दिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आर पैरेलल अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला था यहाँ पे, है ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं, राइट, ये अपने पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन ने आर पैरेलल यहाँ पे निकाल दिया था, ठीक है। फर्दर क्या है, आर पैरेलल अपने पास आर बाय टू आया था, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल ली, है ना, रेजिस्टेंस एक आर की वैल्यू कितनी आ रही है, और आर इक्विवेलेंट अपने को पता है ये कितना है, आर बाय टू है, तो बस आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1.2 पाई ओम बाय टू, तो अपन क्या बोल सकते हैं 0.6 पाई ओम इसका आंसर निकल करके आ रहा होगा, ठीक है। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 0.6 पाई ओम, ठीक है। देख लेते हैं अपन ये कौन से ऑप्शन में अपने पास अवेलेबल है, ठीक है, तो एक एक करके सारे ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं। 3 ओम ये गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन ये अपने पास सही है 0.6 पाई ओम, ऑप्शन नंबर 3 ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसमें एक डेसिमल कम है, यानी कि यहाँ पे 0.6 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो ये अपने पास गलत, राइट। तो अपने पास जो आंसर आ रहा है निकल करके वो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन जो है समझ में आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।